आपने हमारे को छेड़ा तो ये सरकार नहीं छोड़ने वाली, समझदार को इशारा काफी, थोड़ा कहा वो ज्यादा समझना, ज्यादा बोलना आता नहीं है। ये सख्त लहजा, हिदायत और चेतावनी किसको दे रहे हैं एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि आखिर किससे कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ। पहले ये आपने कोई शिकायत की थी सीएम हेल्पलाइन पे? काय की शिकायत थी, क्या परेशानी है आपको? अच्छा, अकाउंट फ्रीज हो चुका है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, चलो मैं देख पाता हूँ, है ना। मैं आपका डॉक्टर मोहन यादव बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी और सब परिवार में ठीक है, मदद करेंगे आपकी, है ना। मैं सडनली देख रहा हूँ कि कंप्लेंट पर कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए। सुना आपने, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ता से फोन पर बात कर रहे हैं। दरअसल एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही अधिकारियों की बदजुबानी और अभद्र व्यवहार ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि ऐसे मामलों के प्रकाश में आने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का डंडा जरूर चला, लेकिन अब सरकार के मुखिया यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार सुशासन को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अधिकारियों की बदजुबानी और लापरवाही से आम लोगों में सरकार की छवि खराब ना हो, इसके लिए अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने दौरे के दौरान औचक निरीक्षण कर ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में सीएम हेल्पलाइन सेंटर पहुंचे और शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात की। इस दौरान एक शिकायतकर्ता ने सीएम मोहन को उनकी बेटी को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर सीएम ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। कोई बात हो तो बताना मेरे को, ना अलग से मदद करना। ठीक। ऐसा करना, अभी कहाँ हो आप? अभी ऑफिस का आपका नाना खेड़ा, तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन लिया हो तुम्हारे पापा की, मैं अभी यहाँ स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठा हूँ, आपको मदद कर दूँगा। हाँ, उसमें आपका बैंक अकाउंट की पासबुक लिया ना और आपके एप्लीकेशन लिया ना। पापा को पैरालिसिस हुआ ना, तो मेरे 3 महीने हो गए। कोई बात नहीं, आप अभी ले आओ, मैं आपकी मदद कर दूँगा, है ना। थोड़ा आकलन लेके आना, कितना मोटे तौर पे कितना आपको खर्चा लग रहा है, मेरे को बताना, मदद कर दूँगा। ग्राउंड रियलिटी चेक के दौरान अधिकारियों की लापरवाही और व्यवहार की शिकायतें लगातार सीएम को मिल रही हैं। यही कारण है कि नीमच पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुले मन से ही अधिकारियों को चेतावनी दे डाली और बोला, ये जनता की सरकार है, जनता का अपमान किया तो छोड़ेंगे नहीं। सरकार गरीबों की सरकार, ये सरकार संवेदनशील की सरकार, हमारे किसी भी व्यक्ति का, आम जनता का अपमान पसंद नहीं करेंगे। आपने सबने देखा, ड्राइवर है तो क्या हो गया, ड्राइवर की इज्जत नहीं है क्या? ड्राइवर को क्या हो गया, वो मनुष्य नहीं है क्या? अरे ड्राइवर हो, किसान हो, मजदूर हो, जनता के दर्द को समझने वाली सरकार है। अधिकारियों से भी कहा गया कि भैया हम किसी का अपमान नहीं करना जानते, लेकिन आप हमारे सम्मान का भी ध्यान रखो। आपने हमारे को छेड़ा तो ये सरकार नहीं छोड़ने वाली। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब तक कई बड़े अफसरों पर एक्शन लिया है, जिसमें ड्राइवर की औकात पूछने वाले शाजापुर कलेक्टर को हटाया गया था, कार सवार युवक को लाठी से पीटने वाले एसडीएम के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया गया था, सीएम ने उन्हें भी सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा देवास जिला के सोनकच तहसीलदार ने किसान से बदजुमानी की थी तो उन्हें भी तत्काल हटाया गया था। इसके अलावा और भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर अधिकारियों की लगातार आ रही शिकायतों से सीएम चिंतित हैं। यही कारण है कि ऐसे अधिकारियों के लगातार तबादले भी किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्राउंड रियलिटी चेक से प्रदेश की जनता को कितना सुशासन मिल पाता है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।